साल 1969 में शक्ति सामंत एक ऐसी फिल्म लेकर आए थे जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म में बॉलीवुड को पहला सुपरस्टार दिया था, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मेकर्स इस फिल्म को डब्बा बंद करने के बारे में विचार कर रहे थे। 1969 में आई राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की फिल्म आराधना उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना 70-80 के दशक में एक साथ कई फिल्मों में काम करते थे। काका का उन दिनों फिल्मों में कुछ ऐसा जलवा था कि वे अपनी शर्तों पर काम किया करते थे और एक ही वक्त पर कई फिल्मों की शूटिंग करते थे। ऐसे में मेकर्स और फिल्म की लीड एक्टर्स को राजेश खन्ना के मुताबिक अपनी डेट्स बदलनी पड़ती थी और ऐसा ही कुछ शर्मिला टैगोर के साथ भी हुआ था। साल 1969 में आई शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की फिल्म आराधना बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म को समय पर पूरा करना मेकर्स के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जब ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई तो सबके होश उड़ गए। आराधना की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना 12 प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर रहे थे। ऐसे में वे किसी भी फिल्म को एक साथ पूरा करने में असमर्थ थे और इसके चलते शर्मिला टैगोर को आराधना के गाने सपनों की रानी की शूटिंग अकेले ही करनी पड़ी थी। दरअसल राजेश खन्ना और फिल्म निर्माता शर्मिला टैगोर के बगैर ही फिल्म के अन्य हिस्से की शूटिंग के लिए दार्जिलिंग चले गए थे और एक्ट्रेस को मुंबई के स्टूडियो में ही गाने को फिल्माना पड़ा था। फिल्म के गाने सपनों की रानी को दते ही मार्केट में धूम मचा दी थी। शर्मिला टैगोर, फरीदा जलाल, राजेश खन्ना, अशोक कुमार और सुजीत कुमार जैसे उम्दा सितारों से सजी फिल्म आराधना साल 1969 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म के तौर पर उभरी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 80 लाख में बनी इस फिल्म ने बजट से लगभग 7 गुना ज़्यादा कमाई की थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाने से साफ इनकार करते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए थे। दरअसल आराधना की कहानी सचिन भौमिक द्वारा लिखी गई थी और उसी वक्त वे शशि कपूर की फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती भी लिख रहे थे। दोनों फिल्मों के क्लाइमेक्स में काफ़ी समानता थी और इस वजह से उन्होंने एक फिल्म को बंद करने का मन बना लिया था, लेकिन बाद में गुलशन नंदा के चलते फिल्म आराधना दर्शकों के सामने आने में सफल रही और रिलीज होते ही फिल्म ने वो कमाल कर दिया जिसकी मेकर्स ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।